यूपी के रामपुर से, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद रेंज, पुलिस अधीक्षक रामपुर एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर रहे मौजूद। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808088। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के रामपुर से, जहां दिनांक 19 अगस्त 2024 को पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद रेंज मुरादाबाद, पुलिस अधीक्षक रामपुर एवं पुलिस ऑब्जर्वर द्वारा आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल, सुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के दृष्टिगत जनपद रामपुर में परीक्षा केंद्रों एवं पुलिस कंट्रोल रूम इंटीग्रेटेड सर्विलांस सेल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इंटीग्रेटेड सर्विलांस सेल में निगरानी हेतु जिले में विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की स्थिति की निरीक्षण कर संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर एवं क्षेत्राधिकारी नगर मौजूद रहे। देखे रामपुर से एरिया इंचार्ज चैनल मनन यादव की रिपोर्ट। अभी आने वाला समय में 23, 24, 25, 30, 31 में पुलिस भर्ती होने वाला है, उसका तैयारी के लेके आज वरिष्ठ अधिकारी लोग से मीटिंग कराया और साथ साथ जो सेंटर्स का निरीक्षण कराया हूँ मैं आज, खासतौर से जो स्ट्रांग रूम है और स्कूल परीक्षा केंद्र है उसको मैं निरीक्षण किया हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है उसके निरीक्षण किया हूँ। अभी पूरी चीज़ हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी कर रहा है और साथ साथ जो परीक्षा केंद्र का जो तैयारी है, जो वहाँ के स्कूल्स वगैरह में जाके मैंने निरीक्षण किया, वहाँ जो स्थिति वहाँ पर स्ट्रांग रूम है, वहाँ का जो कमरा का सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ का लोकल जो परीक्षा केंद्र का कंट्रोल रूम है, वह सब चीज़ चेक किया हूँ। हर जगह कैमरा का व्यवस्था वगैरह अच्छी हुआ है, सभी चीज़ अच्छी तरीके चल रहा है। यहाँ के नोडल ऑफिसर, ऑब्जर्वर और हमारा एसपी रामपुर, सभी लोगों ने मेरे साथ रहा, लोगों ने सभी अच्छी तैयारी करके रखा है। अभी 23 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, उसके लिए पूरी पुलिस प्रशासन तैयारी है और ट्रैफिक व्यवस्था भी इन लोग के रखने के ध्यान रखने के लिए मैंने आदेश कर दिया हूँ। और साथ साथ ओवरऑल इन लोगों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छा करके रखा है, पूरी टीम का उन्होंने ब्रीफिंग करके रखा है, हमें हम पूरी सेट्स पर। क्या दिशा निर्देश हैं सर अधिकारियों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए क्या दिशा निर्देश हैं संबंधित? यहाँ का जो भी हमारा जो सेंटर्स है, यहाँ पे टोटल 13 सेंटर्स है, यहाँ पे एग्जाम सेंटर सुनित हुआ, वहाँ के लिए पूरी अच्छी तरीके से निरीक्षण करते रहेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा प्राथमिकता है फुल प्रूफ एग्जाम कराना है, हमारा ये निर्देश है, उसकी हम अच्छी तरीके की तैयारी है, हमारा निर्देश दिया हूँ, पूरा तैयारी हम लोग पूरी होती है। सर रक्षाबंधन का त्यौहार है और आखिरी जो है सोमवार, ये पूरा जनपदवासी के लिए रक्षाबंधन के लिए पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दे रहा हूँ। और साथ साथ हमारा पुलिस फोर्स हर चौराहे पर, हमारा महिला पुलिस, हमारा पुरुष पुलिस, सभी लोग हर चौराहे पर ड्यूटियाँ करिए, सभी लोग का हमारा पूरा 100% सुरक्षा बन जाए। और हर जगह पूरी जगह सीसीटीवी है, हमारे 112 का पूरी जो रूट है उसी पर ड्यूटियाँ लगी है, हम लगातार निगरानी रखा है, कोई चीज़ नहीं होने देंगे। एसपी रामपुर सर को सर सम्मानित किया गया, उसको सेवाओं के लिए क्या कहेंगे? उनकी भी बहुत बहुत बधाई देंगे हम लोग, उन्होंने बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पर, उनकी भी बहुत बहुत बधाई देंगे।